दैट यू कैन ड्रीम ऑफ के तुम्हारे घर में कोई भी अगर औरत तैयार होती है 3 घंटे लेती है। कोई नहीं लेता 3 घंटे ना। मैं 3 घंटे लिए थे बिकॉज मुझे हाँ साड़ी भाई, पहननी थी, मुझे वैक्स करवानी थी, हाउ इज दैट, आई वांट टू नो दिस। कितनी दर्द हुई? काफ़ी ज़्यादा काफी ज्यादा ना। इस इंटरव्यू ओके से थोड़ी सी कम मगर उस तरह ज़्यादा हाँ थी। मेरा कॉल टाइम जी, वैसे ही सबसे पहले होता था, आई हैव टू वैक्स योर फेस इज एवरी डे आई वॉज शेविंग एंड आफ्टर एवरी 3 डेज आई वॉज वैक्सिंग। दैट वॉज बड़ी नदीम है। बेग्स ऑर्डर, ही सेड आई वॉन्ट यू टू लुक स्मूथ। लाइक नदीम बेग, दैट साउंड रॉन्ग। आई एक्चुअली फेल्ट द वे मैन स्टेयर एट यू। आई वॉज मतलब हालांकि लॉट ऑफ पीपल न्यू के ओके दिस इज बट सा, बट स्टिल देर वॉज दिस वेरी ऑड स्लीजी लुक समटाइम दैट यू गेट फ्रॉम यू डोंट नो। मतलब आई वॉज स्टैंडिंग इन अ लॉबी और मैं खड़ा हूँ और एकदम एक बंदा ना मुझे यूं करके घूर रहा है बस। सो आई फील्ड, मैंने कहा यार कि नॉर्मली वुमेन गो थ्रू दिस एवरी डे एंड इट रियली मेड मी हम्बल दैट वुमेन आर एक्चुअली मोर स्ट्रॉन्गर देन मैन। एंड देन आई स्लैप्ड हिम ऑलमोस्ट। अचीवमेंट्स मैंने आपकी सुन ली। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट वाज द फनीएस्ट थिंग दैट हैपेंड ऑन सेट? बिकॉज़ आई कैन इमेजिन विद यू एंड वासे एंड अमायो। हम लोग बहुत सीरियस थे, हम लोग बहुत सीरियस काम करते थे, हम लोग रोज़ सुबह उठते थे, एक बस जुनून होता था कि हाँ यार आज ये कॉल शीट है, आज ये काम करना है। हुमायूं इज़ द मोस्ट लेड बैक चिल्ड प्रोड्यूसर दैट दिस इंडस्ट्री कैन हैव। सो ही रियली गिव्स टाइम टू द डायरेक्टर कि अच्छा भाई ये वो। नदीम इज़ वेरी डिटेल्ड एंड ही इज़ वेरी कंट्रोलिंग ऑन द सेट एंड हाउ थिंग्स शुड बी एंड everything goes according to the plan and then something happens which we just managed to do. So yeah, it's constant battle, especially Turkey में। we were shooting in November this year, last year we were Last year shooting and it was freezing. It was so freezing that एक दिन मैंने और हुमायूं ने हम लोगों को इतनी ठंड लग रही थी। I can't say this on air, but नहीं टीवी पर नहीं कह दो। खैर फिर भी but it was hurting us. So we were in pain. तो हम लोग जहाँ शूट करे थे वहाँ इतनी हवा थी और हम लोग को इतनी तेज़ हवा की आदत नहीं है।